बुलंद शहर में आलमी तबलीगी इंतजामिया की शुरुआत हो गई। 3 दिन तक चलने वाले मुस्लिम धर्म से संबंधित इस कार्यक्रम में लाखों लोग अब तक शामिल हो चुके हैं। हकीकतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह व्यवस्थाओं पर फोकस किए हुए है। जिले में जाम की स्थिति बनी हुई है, लाखों लोग यहां अब तक पहुंच चुके हैं। बुलंदशहर में तबलीगी इंतजामिया में पूरे मुल्क और पूरे देश से आने वाले जमातों व मेहमानों के इस्तकबाल में कोई कोर कसर बाकी ना रहे, इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई। हम आपको बता दें कि पिछले 3 माह से इज्तिमा की तैयारियां चल रही थी। आज हालांकि पहला दिन है और 2 दिन और अभी ये कार्यक्रम रहेगा। लाखों लोगों की भीड़ अब तक यहां जुट चुकी है। शहर में आने वाले जिले की तमाम सड़कों पर अकीदतमंदों का जमावड़ा लगा हुआ है। अस्थाई मस्जिद, उम्दा वजूखाने, साफ पीने का पानी, साफ सुथरे शौचालय व इस्तजमा खानों के निर्माण किए गए। सर्दी बारिश से बचने के लिए दिलकश और आकर्षक तंबू टेंटों का बेहतरीन इंतजाम आलमी इंतजामिया के लिए किया गया। लगातार कार्यक्रम में लोग पहुंच रहे। 3 दिसंबर को विशेष दुआ इस कार्यक्रम में होगी। मुख्य मार्गों का हालांकि रूट डायवर्जन किया गया है, लेकिन इसके बाद भी मीलों तक जाम की स्थिति बनी हुई है। कार्यक्रम मकरण शरीफ होने वाली का कहना है कि वे कार्यक्रम में आकर खुद को खुशनसीब मान रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूपी के बिजनौर ज़िले से आए हैं और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया से और पूरे देश के कोने कोने से मुसलमान यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर हर मुसलमान भाई अपने घर से निकला है और अपने आप को बहुत फख्र महसूस कर रहा है यहाँ पर देख करके। पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया से दूर दूर के मुसलमान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, अपने घरों को छोड़कर, सभी बिस्तरा उठाकर, अपने फैमिली वालों को छोड़कर, अपना जान माल हर वक्त अपना निकाल कर इस राह में निकले हैं। बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुशी महसूस होती है ऐसी जगह पर पहुंचकर। और हम ही नहीं, यहाँ पर मौजूद हिंदुस्तान के जितने भी और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत ही खिदमत कर रहे हैं आने जाने। ईटीवी बराबर दिखा रहा है, तो ईटीवी भारत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चैनल है, बहुत खुशी महसूस होती है कि सभी चैनल जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता भारत को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी हिंदू भाइयों का जो इस बार और हर बार खिदमत करते हैं और मुसलमान भाइयों का बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। नाम है जी मोहम्मद शमशीर, मैं गांव खुसरोपुर कस्बा चरथावल और जिला मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो इज्तिमा में आप शरीक होने आए हैं और यहाँ देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। पहला दिन है और हजारों गाड़ियाँ, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है पूरा यहाँ काफिला है गाड़ियों का। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो रेला है ये कितना यहाँ, मतलब ये जो अकीदतमंद पहुँचेंगे आपके हिसाब से? तकरीबन ये पहुँचने, अभी तो कल भी पहुँचेंगे और परसों भी पहुँचेंगे, टाइम तक जिस टाइम 2 होगी उस टाइम तक पहुँचेंगे ताकि 2 में शिरकत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। मेन सबसे ज़्यादा जो तादाद होगी परसों ही होगी वो, इसलिए जो आने वाले आ रहे हैं अभी तो कल भी आएंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो कम से कम लगभग 5 करोड़ की वो कर रखी है, 5 करोड़ आदमी आने हैं कम से कम। तो इसमें देश भर से लोग आ रहे हैं, देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं? जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से आदमी आ रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं शहर का कोई, इसका पूरे हिंदुस्तान का है। पूरे हिंदुस्तान से बस आ रही है, जिसका जैसा बोलना सब आ रहे हैं। तो आप यहाँ दुआ करेंगे तो दुआ में आप क्या सोच के आएंगे? सर दुआ में सोच के आऊँ कि पहले मैं जो कुछ मांगूंगा अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए मांगूंगा, उसके बाद अपने लिए मांगूंगा। क्योंकि उससे कहा जाता है कि अगर हम कुछ मांगते हैं ना तो पहले दूसरों के लिए मांगो, दूसरों की खुशी चाहो तब उससे अपनी खुशी मिलती है, ये बात है। बाकी मैं अपने लिए मांगूंगा तो कुछ नहीं मिलने का,
फ़ायदा कुछ नहीं होने का मेरा आगे। मान लिया बहुत से होता है कि भाई बहुत से खाने के लिए तलब करते हैं कि भाई कुछ खाना अच्छा मिलेगा, ये गलत बात है। इसलिए जो भी है अपना पैसा लगा के आ रहे हैं, जो भी करके आ रहे हैं ताकि अपने लिए आ रहे हैं, दीन के लिए आ रहे हैं, दीन की खातिर। अगर हमारी जान भी जाए तो हम जान भी दे दें दीन की खातिर अपनी। बहुत बढ़िया। ये कोई राजनीति नहीं है कि राजनीति में कि भाई वोट डल लें, यहाँ पे किसी का बुरा नहीं जाते। कोई हिंदू हो मुसलमान हो, सबको भाईचारे की तरह से देखा जाता है, भाईचारे की तरह से बुलाया जाता है। इसलिए यही बात सिखाई जाती है कि अपने दीन पर कायम रहो, अपने दीन को कभी मत छोड़ो, चाहे वो हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबको आज़ाद है, सब अपने हिसाब से रहना जानते हैं, यहाँ कोई किसी की दाम में नहीं है कि कोई किसी पे वो है, देश आज़ाद है। इसलिए जिस तरह जिसका दिल करे, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नमाज पढ़ने का मुसलमान को आके और मंदिर को पूजा करने का आके। तो यहाँ पे आप ये, आपको ये पता है कि ये इस्तेमाल होता क्यों है? मतलब सर ये जोड़ने के लिए, जमात लगाने के लिए, जमात निकलती है। मान लिया के जैसे कि घर से सब एक जोड़ होता है ताकि जमात निकले, जगह जगह पहुंच जाए। और ये डिसाइड कौन करता है कि इस जगह पे ये बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े आलिम लोग, बड़े बड़े मतलब कहाँ बैठते हैं वो बड़े बड़े लोग? मतलब ये दिल्ली मरकज है, दिल्ली मरकज, जैसे कि दिल्ली मरकज हुआ, बड़े बड़े जाम मस्जिद हुई इनके, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई फला तारीख को फला दिन इस जगह पे इस्तेमा का प्रोग्राम है। और कौन कौन से, कितने मुल्कों से लोग यहाँ आते हैं सर? या सिर्फ इंडिया के लोग होते हैं? पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान के बाहर के लोग नहीं आते हैं? बाहर की कंट्री है। मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि प्लेन से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुवैत वगैरह से, ऐसे कुछ फोटोज वगैरह काफी रिलीज हैं। ऑल इंडिया का है, ऑल इंडिया के लिए मान वाला आ रहा, पूरे विश्व का है, जी हां पूरे विश्व का है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों का भी है ये इस्तेमाल, जिससे पता तो करोड़ों आदमी यहां पे इकट्ठा हो रहा है। जी जी, देश विदेश की। शुक्रिया भैया। नाम आपका? आरिफ अंसारी नाम है। यहाँ जो ये तकलीमी इस्तेमा हो रहा है 3 दिन का, इसमें कितने, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लगभग कितने लोग आने की संभावना है? लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, सही फिगर तो नहीं है। तो इंतजाम उनके रहने का, खाने का, पीने का, टहलने का सारा किया गया है, और हमारी तरफ से तो बेहतर सुविधाएँ जो है उनको मुहैया कराई जा रही है। और इसमें जिला प्रशासन की तरफ से हमें बहुत बड़ा सहूलियत और सपोर्ट मिल रही है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बाकी जो हमसे जितना भी मदद प्रशासन की हो रही है वो हम लोग कर रहे हैं, प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है और सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, सब बढ़िया से। लगभग कितने किलोमीटर में कैंप लगाए गए हैं? एक कैंप हमारा अराउंड 4 किलोमीटर के एरिए में कैंप है, और उसी के अंदर जो लोगों के सोने का, टहलने का, नमाज का इंतजाम किया है। सर अभी तकलीमी इस्तेमा होने जा रहा है 1, 2, 3 दिसंबर, तो सर किस तरह की व्यवस्था की गई है, लगभग कितने लोग आने की आशंका है? तबलीगी इस्तेमा जो 1, 2, 3 दिसंबर को है, उसके लिए इन्होंने लगभग 5 लाख लोग कुल मिलाकर के, 2 लाख जो यहाँ पे स्टैटिक रहेंगे और करीब 2.5 से 3 लाख लोग जो अलग अलग समय पर आकर के उसे प्रतिभाग करेंगे। कुल 5 लाख लोगों की इन्होंने जो है परमिशन दी है, और उनकी समस्त व्यवस्थाएँ जो हैं इन्होंने खुद कराई हैं, उसका निगरानी पूरा किया गया है ताकि वो सुरक्षित पूरा इसमें तैयारी हो सके, इसके लिए व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। यातायात कोई प्रभावित ना हो, सामान्य जो यातायात है वो कतई प्रभावित ना हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, फोर्स लगी हुई है, टीमें लगी हुई हैं लगातार, और रूट्स ऐसे आइडेंटिफाई करे गए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमको जब भी भारी वाहन को अदरवाइज अगर डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको करेंगे, बट अभी फिलहाल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शहर का सारा यातायात चालू चल रहा है, हमारी हाईवे चालू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपातकालीन भी सभी व्यवस्थाएँ जो हैं उसमें, जैसे हमारा हॉस्पिटल का है जिला अस्पताल में, खुर्जा में, सिकंदराबाद में, इसके लिए वार्ड रिजर्व किया गया है। उसके अलावा यहाँ मौके पर भी कैंप्स वगैरह बनाए गए हैं, और उसके भी पर्यवेक्षण का कार्य जो है वो हमारे डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे भी अन्य जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो सिर्फ पेयजल को लेकर के है या जैसे खाद्य सुरक्षा को लेकर के है, तो उनकी व्यवस्थाएँ आयोजकों से कराई गई हैं, लेकिन उसका पर्यवेक्षण जो है किया जा रहा है ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। सिद्धू साहब, तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा है बुलंद शहर में 1, 2, 3 दिसंबर का ये कार्यक्रम है, लगभग कितने लोग इसमें आने की आशंका और किस तरह की पुलिस व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है, क्योंकि ये NH-91 है, दिल्ली से कानपुर की ओर जाता है, यही मेन हाईवे, तो किस तरह का रूट डाइवर्ट रहेगा? देखिए, पुलिस और प्रशासन का मेन कंसर्न ये है कि जो है यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग और जन सामान्य का जो यातायात व्यवस्था है, चाहे जनपदीय व्यवस्था हो, चाहे हमारा जो NH-91 हो या जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, लोगों को सुविधापूर्ण तरीके से, सुगमतापूर्वक तरीके से, सुरक्षित तरीके से उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पुलिस पर प्रबंध कर रखा है। जितने हमारे चौराहे हैं, डायवर्जन पॉइंट्स हैं, उस पर रखा है,
यदि विशेष जाम की स्थिति है तो उसके लिए हम लोगों ने आपात व्यवस्था बना रखा है, जहाँ पे हम जो है तत्काल जो है डाइवर्जन भी जो है हैवी व्हीकल्स का या लाइट व्हीकल्स का हम कर सकते हैं। तो हमने पर्याप्त जो है चौराहों पे ट्रैफिक जो हमारे कट्स हैं, जहाँ डब्बे हैं, उन सब पे पर्याप्त हमारी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। मुकम्मल हमारे पास पर्याप्त पुलिस प्रबंध है, हमारे तमाम एस क्यू लगे हुए हैं, हमारे गार्ड्स के, पीआरडी के, हमारे सब समझ जो जवान हैं, तमाम मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर जो सतर्क हैं। असामाजिक तत्वों पर किस तरह से नज़र रखी जा रही है? हम सब पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, सब हमारे प्लेन क्रू ड्यूटी भी जगह जगह पे हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरे भी हैं जगह जगह पे, और इसके लिए हम लोगों ने जो है अपने जो है तमाम संसाधन जो है जुटा रखे हैं, और कहीं पर पूरा आश्वस्त नहीं कहीं कोई जो है व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।